हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप जितना अच्छा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी होगी, आपके मार्क्स उतने ही अच्छे बढ़ेंगे, आप उतना ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट पूरा लगाएं, स्किप ना करें। अगर आप स्किप करोगे तो इसमें आपका ही लॉस है। ओके, तो देखो, बिना कोई देरी किए आपसे हम स्टार्ट करते हैं। हमें ये जो सेंटेंस हैं 1 से लेकर 5 तक, एरर पार्ट बताना है, ठीक है? देखो, सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द ट्रेड फेयर दिस वीकेंड। ओके, तो इसकी हिंदी हो गई, कई दर्शकों को इस सप्ताह के अंत में ट्रेड फेयर व्यापार मेले का दौरा करने की उम्मीद है। तो ये वाला जो सेंटेंस है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो पार्ट नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आर प्रोफेसर टॉट अस दैट वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। देखो, वन के साथ यहाँ पे क्या कर रखा है, पजेसिव एडजेक्टिव हिज दे रखा है, जबकि वन के साथ पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, वंस। क्या आएगा? वंस। ओके, तो यहाँ पे पार्ट नंबर सी में एरर है। ठीक है, हमारे प्रोफेसर ने हमें सिखाया है कि व्यक्ति को दूसरे धर्म का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना कि हम स्वयं के धर्म का करते हैं। ओके, तो यहाँ पे वन के साथ जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो वंस आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 में है, नो सूनर हैड सी अराइव दैट हर फ्रेंड्स अरेंज्ड अ रिसेप्शन इन हर ऑनर इन द बेस्ट रिजॉर्ट इन द टाउन। तो देखो, नो सूनर के साथ आप सभी को पता ही है कि नो सूनर के साथ क्या आता है, देन। दैट नहीं आएगा, ठीक है? दैट नहीं आएगा, दैट को रिप्लेस कर देंगे देन से, TH A N। तो यहाँ पर पार्ट नंबर ए में एरर है। ओके, नो सूनर के साथ देन का यूज़ करते हैं हमेशा। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, टेल मी व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट बिफोर आई टेक अ डिसीजन इन द मैटर। देखो, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सेंटेंस है, मतलब मामले पर फैसला लेने से पहले मुझे बताएं कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। इसकी हिंदी ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। तो ये जो एक फ्रेज होता है पूरा, ये होता है टेक अ डिसीजन ऑन, इनकी जगह पर क्या आएगा, टेक अ डिसीजन ऑन। तो इनको हम रिप्लेस कर देंगे ऑन से। तो यहाँ पर इसका पार्ट नंबर कौन सा एरर हो जाएगा, पार्ट नंबर सी। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट गिव अप देयर स्टडीज बाई भगत सिंह कॉल। मतलब स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के दौरान कई प्रतिभाशाली छात्रों ने भगत सिंह के आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो बाई को हम रिप्लेस करेंगे किससे, ऑन से। ठीक है, ऑन से किससे रिप्लेस करेंगे, ऑन से। तो इसका पार्ट नंबर सी में एरर हो जाएगा। ओके, अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लेते हैं। ये जो फिल इन द ब्लैंक है, ये हमें फिल करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, सुमन हैज, मैं आपको सुमन हैज ब्लैंक स्पेस फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द कंपटीशन। तो क्या होगा, क्वालिफाइड फॉर, मतलब सुमन क्या है, फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई हो गई है। ओके, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हर सपोर्टर्स बिगेन टू ब्लैंक स्पेस एंड सी वॉज लेफ्ट अलोन। तो ये मैं आपको बता दूँ, हर सपोर्टर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल अवे। फॉल अवे का मतलब क्या होता है, पीछे हटना। क्या, तो उसके सपोर्टर ने वो पीछे हट गए और वह अकेली पड़ गई या अकेली छोड़ दी गई, जो कुछ भी आप यहाँ पे इसका सेंस लगाएं। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये जो है, अ फॉल ओवर, फॉल ओवर क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो फॉल ओवर होता है वो होता है लड़खड़ाकर गिरना। क्या होता है, लड़खड़ाकर गिरना। और ये फॉल ऑफ होता है किसी चीज़ से गिर जाना। जो मैंने आपको इससे जो पहला प्रैक्टिस सेट था, शायद उसमें या उससे पहले वाले में मैंने आपको कराया था, जो वो गाय से गिर गया था, फेल ऑफ हिज काउ, है ना? और ये फॉल ऑन क्या होता है, तो ये जो फेल फॉल ऑन या फॉल अपॉन, ये होता है किसी पर आक्रमण करना या सामना करना। ओके, तो लेकिन यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका बी। अब देखो, नो ब्लैंक स्पेस देन 15 बॉयज फेल्ड इन द क्लास। देखो, लिटिल आ नहीं सकता, ठीक है, फ्यू आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आप देन को अगर देखोगे तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंपेरेटिव डिग्री कौन सी है, देखो कंपेरेटिव डिग्री हमारे पास है फ्यूअर,
तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देन लगा हुआ है, कंपेरेटिव डिग्री बन रही है। ओके, तो ये सब बातें आपको क्या है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ध्यान देनी है। इसकी हिंदी हो जाएगी, 40 की कक्षा में 15 से कम लड़के फेल नहीं हुए, तो नो फ्यूअर देन 15 वॉज फेल्ड इन अ क्लास ऑफ 40। 40 की स्पेलिंग याद रखना, कोई कोई जो बच्चा होता है वो क्या है FOUR कर देता है, FOUR TY, लेकिन सही स्पेल क्या होती है FOR TY। ओके, देखो सोनिया वॉज कंपनसेटेड। अब मैं आपको बता दूँ ये प्रेपोजिशन है पूरा, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा कंपनसेट फॉर, मतलब पूरा जो है उसकी भरपाई करना नुकसान की, कंपनसेट क्या आएगा फॉर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ इसकी हिंदी हो जाएगी, मतलब सोनिया को हवाई अड्डे पर उनके नुकसान, उनके सामान के नुकसान के लिए मुआवजा दिया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अक्वेंटेड, यहाँ पे इसका अक्वेंटेड के साथ प्रेपोजिशन क्या आती है विद, अक्वेंटेड विद का मतलब होता है परिचित होना या से परिचित होना, मतलब सूरज कपिल से परिचित है। ओके, अब देखो अब यहाँ आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक, अब ध्यान दो ये में क्या है, सिलेक्ट वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग, मतलब सिनोनिम हमें यहाँ पे बताने, अमेचर, अमेचर क्या होता है नौसिखिया, तो इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर बी, ये क्या होता है ये बिगिनर, ठीक है बिगिनर, और ये टिमिड क्या होता है, टिमिड होता है डरपोंक, टिमिड क्या होता है डरपोंक, वियरी थका हुआ, और डिस्परेट मतलब हतोत्साहित, मतलब जैसे कोई होप ही नहीं हो, होपलेस समझ लो आप, है ना। और देखो ये गम्पशन, गम्पशन क्या होता है बुद्धिशीलता या सहज बुद्धि, बुद्धिशीलता या सहज बुद्धि, और ये एक्यूमेन, एक्यूमेन क्या होता है ये भी यही होता है कुशाग्र बुद्धि या जो गम्पशन का सेंस आता है यही, ठीक है। अब देखो अब ये फ्यूटाइल, फ्यूटाइल होता है व्यर्थ, क्या होता है व्यर्थ, ठीक है फ्यूटाइल होता है व्यर्थ। फैलो, फैलो होता है बंजर, क्या होता है बंजर, ठीक है। और स्टेरी ये होता है तारों से भरा हुआ, देखो स्टार, स्टार ठीक है, और स्टार से बना है स्टेरी, मतलब स्टार माने होता है तारा और स्टेरी तारों से भरा हुआ। ओके, तो ये सब आपको ध्यान देना है। अब देखो ये है अगला वर्ड लैकोनिक, क्वेश्चन नंबर 13, लैकोनिक, लैकोनिक क्या होता है, लैकोनिक होता है संक्षिप्त, मतलब ज़्यादा वर्डों में नहीं, संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा कंसाइज, क्या हो जाएगा इसका कंसाइज। अब वेम ये होता है मनमौजी, क्या होता है वेम मनमौजी, ठीक है। ये सब वर्ड मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि अगर वेम आ गया वहाँ पे कंसाइज आ गया, कोई जरूरी है कि लैकोनिक आए, कंसाइज आ सकता है आपको ऑप्शन में लैकोनिक दे सकता है, तो आपका ये सब जानना भी जरूरी है, ठीक है। और एक क्लाइमैक्स क्या होता है, ये जो चरम सीमा या चरम उत्कर्ष, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 है वैलिडिक्ट्री, इसका सिनोनिम हमें बताना है, ठीक है। अब वैलिडिक्ट्री क्या होता है, वैलिडिक्ट्री होता है एक तरीके से विदाई भाषण, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा या अंतिम भाषण, तो उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है टर्मिनल, ठीक है अंतिम। अब डिसेप्शन, देखो डिसेप्शन क्या होता है, डिसेप्शन होता है छल, क्या होता है छल, ठीक है। अब रिडिकूल, अब यहाँ पे ये जो रिडिकूल है ये होता है मजाक या भद्दा मजाक, ठीक है मजाक या फिर भद्दा मजाक। ओके, और हेजिटेंट मतलब हिचकिचाट भरा हुआ, हिचकिचाट भरा हुआ। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 15 डेन्यूमो, डेन्यूमो होता है किसी कहानी या किसी नाटक का आखिरी रोमांचक हिस्सा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम क्लाइमैक्स, क्या हो जाएगा क्लाइमैक्स। सिस्टमेटिक होता है नियमित, और ग्लोरियस होता है शानदार या सुहावना, ठीक है। ये इम्प्रॉपर वर्ड है, ये अच्छा है अनुचित, अनुचित या गलत, ठीक है अनुचित या फिर गलत, इम्प्रॉपर। ओके, आपको ये भी याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे अपोजिट वर्ड बताने हैं। अब देखो ये ब्यूकोलिक, ब्यूकोलिक क्या होता है, तो दोस्तों ब्यूकोलिक होता है एक तरीके से विनम्र, मतलब जो जो मतलब विनम्र स्वभाव का हो, तो उसका क्या हो जाएगा फियर्स, तो ये क्या होता है ये उग्र, फियर्स बोलते हैं इसे, फियर्स, ठीक है ये क्या होता है उग्र। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर कंपेंडियम, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कंपेंडियम, कंपेंडियम होता है सार, जो समरी होती है, ठीक है
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, चेस्टाइज। ठीक है, चेस्टाइज, चेस्टाइज का मतलब क्या होता है, ये होता है, चेस्टाइज का मतलब होता है आलोचना करना किसी की, टू क्रिटिसाइज, आलोचना करना। ओके, आलोचना करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेज। इसका क्या हो जाएगा, प्रेज, प्रशंसा करना। ठीक है, अब देखो डोंट, डोंट का मतलब होता है हतोत्साहित करना, मतलब किसी को, मतलब डिस्करेज करना एक तरीके से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा इनकरेज। इसका अपोजिट क्या होगा, इनकरेज। ओके, याद रखना हम अपोजिट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, ओब्लिवियस। ओब्लिवियस क्या होता है, अनजान। क्या होता है, अनजान या बेखबर, क्या, बेखबर। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्शियस, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होता है, सचेत, मतलब जिसको सब कुछ होश हो, और ओब्लिवियस बेखबर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक हम क्या करेंगे, ईडम एंड फ्रेजेस। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, एन आयरन विल, इसका क्या मतलब होता है, दृढ़ इच्छा। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, दृढ़ इच्छा। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अफर्म ओपिनियन, अफर्म ओपिनियन। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये है 22, गेट इन टू अ सूप, मतलब मुसीबत में पड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट, मतलब मुसीबत में तभी तो पड़ेंगे जब कोई चीज़ें आपके लिए कठिन होंगी। ओके, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखो हॉल ओवर द कॉल्स, ये क्या होता है, ये होता है डांटना या फटकारना। ठीक है, किसी को डांटते हैं, फटकारते हैं, कोई गलती कर देता है जब छोटा बच्चा, तो टू स्कॉल्ड। ओके, अब देखो टू कैरी द डे, क्वेश्चन नंबर है 24, टू कैरी द डे, ये होता है सफल होना। क्या होता है ये, सफल होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो गो ओवर, गो ओवर का मतलब होता है सावधानी पूर्वक जांच करना, किसी की जांच पड़ताल करना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो दोस्तों हम पाँच केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और लगाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 31 में जो है, जो वर्ड दिया गया है, गवर्नमेंट बाई अ फ्यू पीपल, तो ये क्या होता है, ओलिगार्की। क्या होता है, ओलिगार्की। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 32, द स्टेट ऑफ लिविंग अनमेरिड, मतलब किसी से शादी न करना और कुंवारे ही रहना, उसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य, सेलिबसी। सेलिबसी से क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर है 33, 33 है, एन इवेंट विच हैपन वंस इन अ 5 ईयर, मतलब कोई ऐसा इवेंट जो 5 साल में एक बार होता हो, उसे क्या बोलते हैं, क्विन क्वेनियल, क्विन क्वेनियल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेज एट एन इन, मतलब जो धर्मशाला में घोड़ों की देखभाल करता हो, और इन इन मीन्स क्या होता है, इन मीन्स ही होता है धर्मशाला। क्या होता है, धर्मशाला। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑस्टलर, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्टलर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, ठीक है, संघर्ष करना बिना किसी मदद के, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लॉन्डर। क्या बोलते हैं, फ्लॉन्डर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।